तो बच्चों, अब हम अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आप ऑलरेडी अपनी जूनियर क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने ये भी पढ़ा था कि उन्हें कैसे ऐड करा जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट करा जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार हम उन्हीं सभी पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ कर लें। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो बच्चों, आपको पता ही है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे हमारे सारे नंबर्स, से नंबर 6, नंबर 100, -3/2, √2, वैल्यू ऑफ पाई, ये सभी क्या हैं? ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं। और आज पर ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टेंट बता सकते हैं। हमने बहुत सारे टाइप के नंबर्स पढ़े थे अभी पिछली यूनिट में। तो इन सभी को कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। अगर हम डिफाइन करना चाहें कि कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, तो हम लिख सकते हैं अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट। जैसे यहां पर आप देखिए, हम 6 को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, हम 100 को इस सिंबल से जानते हैं, हम 3/2 को -3/2 इस सिंबल से जानते हैं, √2 के लिए हमारा ये सिंबल है जिसके अंदर 2 लिखा है, ये पाई पाई भी एक सिंबल है। तो हर सिंबल के साथ में कुछ ना कुछ एक वैल्यू एसोसिएट है, वैल्यू हमें दी, हमने दे दी है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं एक कॉन्स्टेंट। तो बात करते हैं वेरिएबल्स की, कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस इज गिवन बाय 2 पाई आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए, तो हमने यहाँ पर 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। इनको नाम दे देते हैं, इस सर्कल को नाम देते हैं C1, इसको नाम देते हैं C2, इसको नाम देते हैं 3 3। इनकी रेडियस भी हमें दे रखी है, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा जाता है कि इन तीनों सर्कल्स का, सर्कल C1, C2, C3 का सर्कमफ्रेंस फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल C1 की बात करते हैं। C1 का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई इंटू आर, और यहाँ पे आर कितना है? 1 सेंटीमीटर। सो C1 इज 2 पाई 1 इक्वल टू 2 पाई। अब हम C2 का सर्कमफ्रेंस काटते हैं फाइन, तो होगा 2 पाई इंटू रेडियस आर, विच इज 2 सेंटीमीटर। तो 2 पाई इंटू 2 इक्वल टू 4 पाई। अब C3 की बात करते हैं, तो C3 होगा 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ C3, विच इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ 3 लिख दिया, ये हमारा आ गया 6 पाए। अब बच्चों, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि तीनों इक्वेशन C1, C2, C3 में 2 पाए 2 पाए 2 पाए तीनों इक्वेशंस में आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो तीनों के अंदर सेम आ रही है। ये वाली जो वैल्यू है 1 2 3, ये जो है वो तीनों इक्वेशन में वेरी कर रही है, तीनों इक्वेशन में चेंज हो रही है। तो हम अब इस इक्वेशन के लिए बात कर सकते हैं कि इसमें जो 2 पाए है वो तो है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट। अरे जो आर है, रेडियस आर, वो है हमारा वेरिएबल, वेरिएबल। और वैसे भी बच्चों, वेरिएबल का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो भी यही है कि जो वेरी करेगा, जो वेरी करता है उसे बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल की भी हम डेफिनेशन लिख ही सकते हैं यहाँ पर, अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट
डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल. अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल. जैसा कि हमने यहां पर किया था, आर को पहले वैल्यू हमने असाइन करी थी 1, फिर करी 2, फिर करी 3, और 2 पाए हर इक्वेशन में कॉन्स्टेंट रहा. तो जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की मैं अभी बात कर रहा हूं, जो हम आपको इस यूनिट में पढ़ाने वाले हैं, उसमें जो वेरिएबल्स हम लिया करते थे वो कुछ ऐसे होते थे, अगर आपको याद तो एक्स वाई जेड इस टाइप के हम वेरिएबल्स माना करते थे. अगर आपको याद होता हो तो हम कभी कभी इनको मिक्स करके भी लिख देते थे, जैसे x इंटू वाई, या फिर एक्स स्क्वायर, या फिर वाई स्क्वायर, नहीं तो एक्स वाई स्क्वायर. और कई बार तो ऐसा होता था कि हम इसे कॉन्स्टेंट के साथ में लिख देते थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 पाई आर, वैसे हम इसको भी लिख देते थे 2x, 2y, 9xy स्क्वायर, 1/2x. इस तरह की एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इस टाइप के वेरिएबल्स पे हम डील कर चुके हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं, जो क्वांटिटीज़ हैं, वो कॉम्बिनेशन है कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, या वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स का. तो जब हम इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले वेरिएबल्स को एक दूसरे से ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उस टर्म को हम बोलते हैं, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसा कि एक्स प्लस वाई, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. 4 प्लस 5x माइनस 9x स्क्वायर वाई प्लस 1/2xy, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो बच्चों, अभी हमने देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, तो एक बार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं. So, algebraic expression is a combination of constants and variables connected by some or all of the operations. कौन से operations? Plus, minus, multiplication and division is known as an algebraic expression. तो कभी भी हम constants और variable के combination को plus, minus, multiplication, division जैसे operators के साथ connect करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अभी हमने पिछले पेज पर दो एग्जांपल्स देखे थे, उन्हें देखते हैं वापस से. तो इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर एक एक्स है, वो वेरिएबल है, यहाँ पर एक वाई है, वो भी वेरिएबल है, और इन दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है एक ऑपरेटर के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू, वो है एडिशन ऑपरेशन. सो एक्स प्लस वाई इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. वैसे यहाँ देखिए, 4 एक कॉन्स्टेंट है, 5x एक कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, 9x स्क्वायर वाई भी एक कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, वैसे 1/2xy क्या है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, और इन सभी को हमने कनेक्ट कर रखा है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की हेल्प से. देखिए, यहाँ पर तो हो रहा है प्लस, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लीकेशन 5 × x, यहाँ हो रहा है सब्ट्रैक्शन, यहाँ है 9 × x²y. अब एक्स स्क्वायर वाई में भी देखिए, x × x × y, सो इट्स 9 × x × x × y. तो यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर आ गया. यहाँ पर देखिए 1/2, इट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय x × y. तो एक कॉम्बिनेशन है कॉन्स्टेंट्स ऑफ वेरिएबल का, जिन्हें कनेक्ट कर रखा है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन जैसे ऑपरेशंस के साथ, इसलिए इन्हें बोल देंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अब हम टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की भी बात करते हैं. टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो देखते हैं ये क्या होता है. देखिए, इस वाली एक्सप्रेशन पे, इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए. यहां पर हम एक्सप्रेशन के जो जो पार्ट एक प्लस या माइनस से डिवाइड हो रहे हैं, उन्हें बोलते हैं टर्म.
जैसे यहाँ पर एक 4 और 5x, ये दोनों प्लस से सेपरेट हो रहे हैं, सो 4 इज अ टर्म एंड 5x इज अनदर टर्म। वैसे 5x और 9x2y भी माइनस से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 5x वॉज इन टर्म अभी हमने देखा था, और 9x2y भी ऑल्सो इज ऑल्सो इन टर्म। वैसे ही 1/2xy भी क्या होगी, टर्म होगी। सो द सेवरल पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के सेवरल पार्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस से जो सेपरेशन है, आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो हम क्या कहेंगे, इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, हमें बताना है कि इस वाली एल्जेब्रिक टर्म एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। तो देखिए, ये है पहली टर्म, ये है दूसरी टर्म, ये है तीसरी टर्म और ये है चौथी टर्म, तो इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं। वैसे अब हमसे पूछा जाए कि इस वाली एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, तो हम क्या बताएंगे, देखिए ये एक टर्म हुआ, ये दूसरी टर्म हुई, तो ये टोटल 2 टर्म्स हैं। वैसे ही अब आपको बताना है कि इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। चलिए काउंट करते हैं, 2x³ ये एक टर्म हुई, xy² ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, देखिए इन दोनों के बीच में एडिशन साइन है, इन दोनों के बीच में एडिशन साइन है, इन दोनों के बीच में एडिशन साइन है, और इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन साइन है, तो टोटल कितने टर्म्स हुई, 1 2 3 4 5, सो टोटल 5 टर्म्स।